हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कैन को किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाता है। कैन को वैसे हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, मॉडल वर्ब्स के अंदर कैन का यूज होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक है हमारा आज का कैन। कैन कैसे यूज होता है? सबसे पहले सेंटेंस के अंदर एक एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। एंड रिक्वेस्ट और परमिशन बताने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर कैन को डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन कैसे? अगर हमारा कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है और उसमें हम एबिलिटी बता रहे हैं किसी काम के होने की, तो हम ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कैन का यूज करते हैं, राइट? अगर पॉसिबिलिटी बतानी हो कोई और सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो भी हम कैन का यूज करते हैं। यहां पर मैं बताऊं कि जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो कि वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कोई परमिशन मांगी जा रही हो तो उसमें भी हम कैन का यूज करते हैं। यहां पर कैन के साथ हम बी का और कैन के साथ हैव का यूज भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों को एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको समझना होगा, जब हम प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी की बात करें तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम पास्ट में एबिलिटी की बात करें यानी कि पास्ट का कोई सेंटेंस हो और एबिलिटी बतानी हो तो वहां पर हम कैन का यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि कैन तो होता है सकता है। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकता है, वह ये काम कर सकता है, वह खाना बना सकता है, राइट? इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन पास्ट का अगर सेंटेंस हो जैसे सकता था, तब हम क्या करेंगे? तब ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम कैन का नहीं, हम कुड का यूज करते हैं, यानी कि कुड बी एबल टू, राइट? और अगर सेंटेंस फ्यूचर का हो और एबिलिटी बतानी हो, जैसे वह ये काम कर पाएगा या कर सकेगा, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं विल बी एबल टू, राइट? लेकिन मैं यहां पर आपको उलझाने नहीं वाला। मैं यहां पर आज जो कॉन्सेप्ट हमारा है जिसको हम क्लियर करने वाले हैं वो सिर्फ कैन है, तो कैन को ही समझेंगे। अब यहां पर समझिए, पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है तो उसमें कैन का यूज हो सकता है, उसके अंदर कुड का यूज भी हो सकता है, मे का भी यूज हो सकता है और माइट का भी यूज हो सकता है, इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही अगर रिक्वेस्ट और परमिशन अगर हम किसी से मांगते हैं तो उस सेंटेंसेस को शुरुआत करने के लिए कैन का, कुड का और मे का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम माइट का यूज नहीं करते। माइट का यूज आप रिक्वेस्ट और परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने लेने के लिए नहीं कर सकते, राइट? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज सीखेंगे कैन का यूज, कैन बी का यूज एंड कैन हैव का यूज। तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है कैन, और कैन का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है सकता है। ये इसकी पहचान होती है। पहचान क्या होती है? कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा सकता है, सकती है, सकते हैं, ये चीज, राइट? और अब यहां पर समझना क्या है कि हम कैन का यूज कैसे सेंटेंसेस में करें। यानी कि एक तो सेंटेंस के अंदर आना चाहिए सकता है, राइट? अब मैं दो सेंटेंस आपको बोलता हूं। मैं बोलूं पापा घर पर जल्दी आ सकते हैं, ये भी तो है सेंटेंस जिसके लास्ट में है सकता है। और मैं बोलूं कि मैं इस डब्बे को उठा सकता हूं, या मैं बोलूं कि मैं इस भारी सामान को उठा सकता हूं, तो यहां पे भी मैंने सकता है बोला है सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन दोनों ही सेंटेंस में एक बारीकी सा फर्क है जो आपको इस वीडियो में मैं समझाने के लिए आया हूं। अब देखिए, कैन का यूज हम सेंटेंस में तभी करेंगे जब हमारे सेंटेंस के अंदर हम किसी बात की या किसी काम के होने की एबिलिटी की बात कर रहे हो। एबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को कर सकने की क्षमता। अब इस चीज को यहां पर समझ लीजिए, किसी काम को कर सकने की क्षमता। क्षमता माने योग्यता। आप यहां पर लिख सकते हैं योग्यता। अगर किसी काम को करने की योग्यता आप बता रहे हैं तो आप कैन का यूज करते हैं, राइट? रूल क्या होगा? सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो व्यक्ति जो उस काम को कर सकता है। उसके बाद हमारी जो मॉडल वर्ब होगी कैन, हम यहां पर यूज करेंगे कैन का, राइट? उसके बाद हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात आपको बताना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जब भी आप मॉडल वर्ब को सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा जो मेन वर्ब होती है यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि क्रिया की पहली फॉर्म आपको यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, गो वेंट एंड गॉन, ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकेंड फॉर्म है, एंड गॉन
इसकी थर्ड फॉर्म है, लेकिन आपको सिर्फ गो का यूज करना है, राइट। इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं यूज होती, सिर्फ मॉडल वर्ब के अंदर। तो यहां पर कैन हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। तो अब हम मान लीजिए इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस क्या क्या रहा है। आप इस चित्र को देखिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इस वक्त क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं ये लिफ्टिंग का काम कर रहा है, ये भारी से बारबेल को उठा रहा है। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैसे कैन का यूज करेंगे, देखिए एक एबिलिटी है, ये एबिलिटी है कि भारी सामान सब तो नहीं उठा सकते ना, ये उठा सकता है, तो इसकी एबिलिटी है। तो क्या लिखा हुआ है, वह इसे उठा सकता है। जब मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो मुझे इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनानी होगी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उठाने का काम कौन कर रहा है, वह कौन है, लड़का। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, मैं अपने सेंटेंस में सबसे पहले लगाऊंगा ही, ये मैंने लगाया ही। अब क्योंकि मेरा सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, सकता है, तो सकता है के लिए मेरे को क्या लगाना है, कैन, क्योंकि एबिलिटी बता रहा हूं, तो मैं लिखूंगा ही कैन। मैंने लिखा ही कैन उठाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उठाना, किसी भारी सामान को उठाना, उसे ऊपर उठाना, यानी कि लिफ्ट का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे ही कैन लिफ्ट, ही कैन लिफ्ट क्या उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट इसे, इसे किसी सामान को, इसे, तो निर्जीव चीज को, किसी सामान को हम क्या बोलते हैं, ही कैन लिफ्ट इट, और हम यहां पर इट का यूज कर सकते हैं, ही कैन लिफ्ट इट, वह इसे उठा सकता है। कैन का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस के अंदर एबिलिटी शो करने की बात हो रही है, राइट। अब ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। अब देखिए, हर कोई तो इंग्लिश नहीं बोल सकता ना, हर कोई तो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, लेकिन जो बोल सकते हैं वो उनकी एबिलिटी बन जाती है कि हम ये काम कर सकते हैं। अब तैरना सबको तो नहीं आता ना, बहुत कम लोग हैं जिनको तैरना आता है, तो वो बोलते हैं कि हमें, हम तैर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर लास्ट में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और एबिलिटी शो करने की बात हो रही हो, आपको कैन का यूज कर देना चाहिए। तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे, हम बोलेंगे यू कैन, और फिर हम लगाएंगे स्पीक, यानी कि बोलना, यू कैन स्पीक, क्या बोल सकते हो, अंग्रेजी, यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यहां पर कैन का एक कॉन्सेप्ट तो हमने आज क्लियर कर लिया कि जब भी कैन मॉडल वर्ब के लिए सेंटेंस में यूज होती है, सेंटेंस की पहचान होती है, सकता है, सकती है, सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि सेंटेंस में एबिलिटी की बात हो रही हो, तब आप कैन का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कैन बी का यूज। तो कैन बी का यूज कैसे किया जाता है, देखिए कैन बी का यूज किसी भी सेंटेंस के अंदर होता है तो दो सेंस में होता है, सिर्फ और सिर्फ दो सेंस के अंदर। कौन सी दो सेंस, देखिए कैन बी की दो सेंस होगी, एक तो होगी सेंटेंस के जो लास्ट में हो सकता है लगेगा, हो सकता है, या फिर सेंटेंस के लास्ट में होगा किया जा सकता है। अब यहां पर इसीलिए इसके दो रूल हैं, अगर सेंटेंस में कैन का यूज कैन बी के साथ होता है, यानी कि नो एक्शन सेंटेंसेस अगर हों, जैसे सब्जेक्ट के बाद हमने देखा कैन बी का यूज किया, कैन बी के बाद हमने सीधा ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहां पर हमारी कोई वर्ब तो है ही नहीं। अगर इस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं है तो ये एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में आ गया, और सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, उसकी पहचान मैंने आपको हर वीडियो में बताई है, सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को नहीं किया जाता। अब एग्जांपल इसका देख सकते हैं आप, यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल देखिए, वह वहां हो सकता है, आ गया ना हमारा हो सकता है, ये देखिए ये है हमारा हो सकता है, वह वहां हो सकती है, सॉरी एक लड़की है, ये छुपी हुई है कहीं पर, एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है, देखो पर्दे के पीछे छुपी है ना, अब ये पर्दे के पीछे छुपी है लेकिन हमें तो नहीं पता ये कहां पर है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब बनती है, यानी कि मुझे पूरा पता है कि जब भी ये जाकर छुप जाती है ना, तो ये उसी पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वह वहां हो सकती है, यानी कि किसी बात के होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर बतानी हो तो भी हम कैन बी का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, वह यानी कि ये लड़की, इस लड़की के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, बस एक स्टेट बताई जा रही है कि वो वहां पर हो सकती है, तो हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे, हम इंग्लिश बनाएंगे शी कैन बी, और हम लगाएंगे कैन बी को शी कैन बी, और वहां के लिए हम लगाएंगे देयर, शी कैन बी देयर, वह वहां हो सकती है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इस शी के द्वारा आप देख सकते हैं, इस शी के द्वारा किसी भी काम को किए जाने की बात नहीं हो रही, इसलिए ये सेंटेंस हमारा नो एक्शन का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस,
राइट right? और इसमें कैन बी के साथ हमने क्या लगाया, सीधा ऑब्जेक्ट लगाया, कैन बी के साथ कोई वर्ब यूज नहीं हो रही। जब सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ही हो सकता है, राइट right? ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं। तो एक तो इसका रूल या तरीका ये हो सकता है जिसमें हम कैन बी का यूज करते हैं नो एक्शन सेंटेंस के अंदर। इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस के लास्ट में होगा हो सकता है, राइट right? अब देखिए एक और यूज होता है कैन बी का, अगर कैन बी के साथ कोई वर्ब आएगी, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर कैन बी के साथ कोई वर्ब का यूज करता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी। अब यहां पर देख सकते हैं हमारा पैसिव सेंटेंस है। अब पैसिव सेंटेंस में आपने एक चीज नोटिस की होगी, सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो रही है, जबकि और सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, या कोई हमारा ऐसा सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो ज्यादातर हम यूज किससे करते हैं, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहां पर तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है और सब्जेक्ट का यूज सबसे लास्ट में किए जाने की बात हो रही है। इसका मतलब है ये एक पैसिव सेंटेंस हो सकता है। तो आइए देखिए ये पैसिव सेंटेंस क्यों है। यहां पे लिखा है आपको हराया जा सकता है। अब देखिए इसके कोई मुक्का मार रहा है, बॉक्सिंग कर रहे से मुक्का पड़ा बहुत तेज हूं, अब इसको कह रहे कि आपको हराया जा सकता है। अब हारने का काम कौन कर रहा है, हारने का काम तो ये आपको कर रहा है ना, और आपको हरा कौन रहा है उसके बारे में तो इस सेंटेंस के अंदर बात ही नहीं है, कौन हरा रहा है। आपको हराया जा सकता है लेकिन कौन इस आपको को हराएगा वो इस सेंटेंस में है ही नहीं, यानी कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, राइट right? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि जो शुरू में है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, आपको हराया जा सकता है। और यहां पर पहचान क्या लिखी है, किया जा सकता है, किसी काम को किया जा सकता है, यहां पर क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है। किसको हराया जा सकता है, इस व्यक्ति को, कौन हराएगा वो इस सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे यानी कि जो हार रहा है वो, ये आपको, आपको की इंग्लिश क्या होगी, यू, ओके। उसके बाद हम लगाएंगे अपना मॉडल वर्ब कैन बी, यू कैन बी, यू कैन बी। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हारने या हराने की क्या इंग्लिश होती है, डिफीट यूज कर सकते हैं, राइट जब भी बॉक्सिंग होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें डिफीट वर्ड यूज होता है, तो यू कैन बी और हम लगाएंगे डिफीटेड, हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू कैन बी डिफीटेड, आपको हराया जा सकता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, अगर वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ना दिया हो, यानी कि नहीं पता हो कि हराने का काम कर कौन रहा है, हराया जा सकता है इसको लेकिन हरा कौन रहा है वो नहीं दिया गया, लेकिन अगर दिया गया हो तो आप यहां पर यूज करेंगे बाय का, और बाय के बाद वो व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसने हराया। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, यू कैन बी डिफीटेड बाय राम, तो हिंदी होगी आपको राम के द्वारा हराया जा सकता है, यानी कि हारने का काम कर रहा है यू और हराने का काम कर रहा है राम, तो आपको राम के द्वारा हराया जा सकता है। इस तरह से आप बाय लगा के बाकी के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, ये होता है पैसिव सेंटेंस। तो कैन बी का यूज आज आपने सीखा कि अगर कैन बी का यूज बिना वर्ब के हो तो वो नो एक्शन का सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, और अगर कैन बी का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हो रहा है तो वो एक पैसिव सेंटेंस हो सकता है। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए ही कैन बी का यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। चलिए अब हम सीखते हैं कैन हैव को। तो अब हमारी वीडियो के एंड में हम सीखेंगे कैन हैव को। अब ये कैन हैव के बारे में आपको मैं बता दूं कि कैन हैव का जो सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस में आप कैन हैव को यूज करोगे, उस सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस के लास्ट में आपको साउंड आता है पास हो सकता है। अब ये पास, पास है दूर है वाला नहीं है, ये पास है कोई चीज मेरे पास है, मेरे पास हो सकती है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक कार हो सकती है, उसके पास दो स्कूटियां हो सकती हैं, मैं बोलूं आपके पास चार या पांच मोबाइल फोन हो सकते हैं, ऐसी चीजें जो हमारे पास हो सकती हैं, उस सेंटेंस की बात यहां पर की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कैन हैव का यूज हम सिर्फ और सिर्फ नो एक्शन सेंटेंस में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, इसमें किया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस। अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा सिंपल सेंटेंसेस में किया जा सकता है। रूल बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ कैन हैव का यूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, इसमें आपको वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा है तो ये मॉडल वर्ब, लेकिन हैव साथ में लगने की वजह से यहां पर कोई भी हमने वर्ब यूज नहीं करी, जो हमारी मेन वर्ब है सेंटेंस के अंदर नहीं होती। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए इसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन संभावना तो यहां भी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब मजबूत संभावना किसी चीज की होने की। देखिए कैसे,
संडे से उनके पास एक महंगी कार हो सकती है, अभी तो नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं कि उनके पास एक महंगी कार हो सकती है। भाई अंबानी जी हैं तो हो सकती है ना एक महंगी कार, अब समझिए बात को। तो उनके पास, उनके मतलब दे, हम यहाँ पर यूज करेंगे दे। अब हो सकती है के लिए हम लगाएंगे दे कैन हैव, हमने लगाया दे कैन हैव, उनके पास हो सकती है दे कैन हैव। क्या हो सकती है? दे कैन हैव एक महंगी कार, दे कैन हैव एन एक्सपेंसिव, हम यूज करते हैं एक वर्ड महंगे के लिए, दे कैन हैव एन एक्सपेंसिव कार, हम इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, दे कैन हैव एन एक्सपेंसिव कार, उनके पास एक महंगी कार हो सकती है। कैन हैव का यूज किया, कोई वर्ब नहीं लगाई, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा हुआ है एन एक्सपेंसिव कार, राइट। एक और सेंटेंस देख सकते हैं। अब ये दूसरा सेंटेंस में आपको समझना क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है क्या उसे कल छुट्टी मिल सकती है। ये देखिए, ये है बॉस, ये कौन है, ये है बॉस, और ये कौन है, ये है एम्प्लॉय, राइट। अब बॉस और एम्प्लॉय के बीच में बात हो रही है, बात क्या हो रही है, पूछा जा रहा है क्या उसे कल छुट्टी मिल सकती है। अब बात हो रही है परमिशन की, ध्यान से देखिए, यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग संभावना या पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ना ही यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है। भाई आप अपने बॉस से अगर छुट्टी मांगने जाते हो तो वहां पर कोई एबिलिटी दिखाते हो क्या? ऐसे थोड़ी कहोगे, हाँ भाई क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है बताओ सर, ऐसे थोड़ी होता है। आप परमिशन मांगते हैं, तो परमिशन मांगने के लिए क्या करना होगा, हमें कैन हैव का ही यूज करना होगा, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या उसे कल छुट्टी मिल सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैन ही हैव अ, अब छुट्टी के लिए आप लगा सकते हो अ लीव, कैन ही हैव अ लीव, कैन ही हैव अ लीव, और छुट्टी किसके लिए, कल के लिए, कैन ही हैव अ लीव कल, यानी कि टुमारो, कैन ही हैव अ लीव टुमारो, क्या उसे कल छुट्टी मिल सकती है। अब यहां पर आप एक बात कह सकते हैं कि सर मिलना, मिलना तो एक वर्ब होती है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हैव का यूज जो होता है ना, ये जो हैव है ना, हैव, ये हैव, ये दो चीज़ों में और यूज होता है। एक होता है पास होना, जैसे हम बोलते थे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, पेन है मेरे पास है, यानी कि मुझे मिलना है। जैसे मैं बोलूं कि हैव का यूज़ हम खाने पीने की चीज़ों के लिए करते हैं, कोई चीज़ खाना पीना, खाने या पीने के लिए। जैसे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे बोलूं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या मेरे पास एक गिलास पानी हो सकता है? नहीं, मेरा सेंस ये है कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, मिलना, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। जब भी आप कहीं पे जाएं, किसी से बात कर रहे हैं, अचानक आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, आप उनसे लेना चाहते हो, तो आप परमिशन मांगते हो, और आप क्या बोलोगे, कैन आई हैव दिस, कैन आई हैव दैट, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो वही तो इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं, क्या उसे कल छुट्टी मिल सकती है, बॉस से पूछ रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं बॉस कैन यू हैव अ हॉलीडे टुमारो, क्या उसे कल छुट्टी मिल सकती है। या मैं आपसे पूछूं कैन आई हैव योर मोबाइल फोन, और अगर शाहरुख खान जा रहा हूं तो मुझे बोलना हो कि सर आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि क्या ऑटोग्राफ मिल जाएगा आपका, ऐसे नहीं, हम परमिशन मांगेंगे कि सर क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है, तो हम कैन हैव का यूज करते हैं जो पोलाइटनेस शो करता है। तो मैं बोलूंगा सर कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज, कैन आई हैव, क्या मुझे मिल सकता है योर ऑटोग्राफ, आप समझ में आया। तो इस तरह से आप इसमें कैन हैव का यूज करते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती हैं, मजबूत संभावना होती है किसी काम के होने की, और कुछ केसेस में आपको परमिशन लेने के लिए भी कैन हैव का यूज करना पड़ता है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर कैन का यूज, कैन बी का यूज और कैन हैव का यूज करना आप सीख गए। तो दोस्तों वीडियो के एंड में एक बात और बताना चाहता हूं, जब भी हम कैन नॉट का सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो कैन नॉट को किस तरह से लिखना चाहिए। मान लीजिए लिखा है वह इसे उठा सकता है, तो इसकी इंग्लिश हम बना लेते हैं, लेकिन अगर मुझे बोलना है वह इसे नहीं उठा सकता है, मान लीजिए यहां पर लिखा है वह इसे नहीं उठा सकता है, तब हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ही, उसके बाद हमें लिखना है कैन नॉट को एक साथ, He cannot lift it, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लिखा है मैंने कैन नॉट को, राइट, ही कैन नॉट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ही कांट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट, आप इसको ऐसे ना लिखें, कैन आपने यहाँ लिख दिया, नॉट आपने यहाँ लिख दिया, जैसे डिड नॉट लिखते थे।
तो कैन नॉट को ऐसे नहीं लिख सकते, ये तरीका गलत है। आप लिखेंगे cannot या फिर can't, right? इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार सवाल पूछना पड़ जाता है, तो सवाल पूछते समय हमें क्या लिखना होगा? जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? अगर मान लीजिए यहां पर ये ना हो और मैं यहां पे लिख दूं क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, और यहां पर हमारा आ जाए क्वेश्चन मार्क, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। तो इस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मॉडल वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट में रखना है, यानी कि आप कैन से सेंटेंस बनाएंगे। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आप लिखेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहां पर आपने कैन का यूज सेंटेंस के फ्रंट में किया, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट में लाकर ही सेंटेंस को बनाना होता है। अब अगर मान लीजिए आपको ये बोलना है, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो, तब आप कैसे बनाएंगे, तो आप कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, मान लीजिए मैं लिखूं, यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, ये हो गया आप अंग्रेजी, और यहां पे लिखा हो क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तब मैं इसे बनाऊंगा कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, जो नॉट होता है उसको यूज करते हैं हम अपने सब्जेक्ट के बाद। ये याद रखिए, नॉट हमारा अंदर रहता है और हमारा कैन जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, इस तरह से भी आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट? तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो के अंदर आपको कैन, कैन बी और कैन हैव को मैं लगभग क्लियर कर चुका होऊंगा, सही से समझा चुका होऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।